हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आफरीदी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या गूगल हमारी जासूसी कर रहा है। हम गूगल पे जो भी सर्च करते हैं क्या गूगल के पास वो सब सेव है, हमारी वॉइस। अगर हम गूगल असिस्टेंट के थ्रू कुछ सर्च करते हैं, ओके गूगल बोलते हैं और वहां पे हमें रिजल्ट आ जाते हैं, चाहे हम कुछ नेविगेट करें, किसी को मैसेज करें या कोई कॉन्टेंट हमें सर्च करना हो, किसी को कॉल लगाना हो, तो हम ओके गूगल कर बोलते हैं और वो हमारा सारा काम कर देता है। तो दोस्तों क्या ये सारी वॉइस हमारी गूगल के पास सेव है, हमारा डाटा उसके पास सेव है? क्या वो स्पाई कर रहा है हमें? क्या हमारे हमारी जासूसी की जा रही है? हम कहीं जाते हैं, हम जो भी हम गूगल पे लिखकर सर्च करते हैं और फिर जो रिजल्ट आते हैं, हम कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, हम किस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, हम किन दोस्तों से दोस्ती रखते हैं, किस तरह के हम वीडियोस देखते हैं, किस तरह की चीजें हमें पसंद है, हमारी पसंद और नापसंद, क्या ये सब गूगल के पास सेव है? और अगर है तो उसने क्यों अपने पास सेव रख रखा है और इसे किस तरह से डिलीट किया जा सकता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो पास में एक बेल का आइकॉन है उसे भी ऑन कर दें और जिन्होंने नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें और पास में एक बेल का आइकॉन है उसे क्लिक करके ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो अपलोड होते ही। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है, गूगल हमारी जासूसी कर रहा है, वो हमारा सारा डेटा जाकर सेव करता है अपने सर्वर पर। आप जो भी टेक्स्ट करके सर्च करते हैं वो सब अपना गूगल अपने पास सेव रखता है और जाकर अपने सर्वर पर सेव कर लेता है। तो दोस्तों आज मैं खास तौर से जो बताने जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ गूगल असिस्टेंट के बारे में, जिसके जरिए हम ओके गूगल बोलकर जो भी सर्च करते हैं। दोस्तों क्या आप ये सोचते हैं कि आप जब ओके गूगल बोलते हैं बस उसी वक्त आपका गूगल असिस्टेंट जागता है और एकदम से आपकी आवाज को पकड़ता है और उसके बाद सर्च करना चालू कर देता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप दोपहर में कहीं अपने घर पर बैठे हुए या आप कहीं मीटिंग में बैठे हुए और अगर गूगल असिस्टेंट को ऐसा लगता है कि आपने गूगल ओके गूगल बोला है तो वहां से रिकॉर्डिंग चालू करता है, चाहे आपने बोला हो या नहीं बोला, मोबाइल चाहे आपके पास में रखा हुआ, अपने फ्रेंड से बात ही कर रहे हो, लेकिन अगर गूगल असिस्टेंट को ऐसा लगता है कि आपने गूगल ओके गूगल बोला है, आपने जैसे ही ओके गूगल बोला है उसको अगर ऐसा लगता है तो वहां से रिकॉर्डिंग करना चालू कर देता है। जब उसको लगता है कि नहीं नहीं इसमें कुछ भी सर्च करने का नहीं है, उसने आपने कुछ भी सर्च नहीं किया, तो वो पूरे के पूरे वॉइस को पूरी रिकॉर्डिंग को ले जाकर सेव कर देता है अपने सर्वर पर। तो इसके जरिए हमारी प्राइवेसी भी खत्म हो रही है। दोस्तों गूगल असिस्टेंट को अगर आप यूज करते हैं तो आप ये मान लीजिए और जान लीजिए कि आपको जो भी आप सर्च कर रहे हैं या जो भी आप उसमें बोल रहे हैं, जितना भी आपने ऑडियो वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है आपका, वो सब जाकर सर्वर पर जाकर सेव हो रहा है। और दोस्तों अगर हम लिखकर कुछ सर्च करते हैं, कुछ नेविगेट करते हैं, गूगल के थ्रू हम जितना भी काम कर रहे हैं, कोई भी हम वेबसाइट देख रहे हैं या हम किसी वीडियो को देखते हैं कहीं जाकर, जहां भी हमने हमारा जीमेल का आईडी डाल रखा है, वो सब दोस्तों सेव हो रहा है गूगल के सर्वर पर जाकर। तो इसको किस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, ये मैंने पहले ही इसके लिए एक वीडियो बना रखा है। वो वीडियो मैंने तब बनाया था जब मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे। कल मुझसे किसी ने मेल किया और पूछा कि सर क्या गूगल हमारी जासूसी करता है, तो मुझे याद आया कि उस टाइम मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे जब मैंने ये वीडियो बनाया था। और आज मैंने खास तौर से गूगल असिस्टेंट के लिए जो हम वॉइस सर्च करते हैं ओके गूगल, इसके बारे में मैंने पहले नहीं बताया था, तो दोनों का मिलाकर एक वीडियो बनाया। दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि आपका ये सब आपका जो डेटा सर्वर पर सेव है, अगर आपको लगता है कि ये खतरा है आपका नेविगेशन, आपके वॉइस, आपके जितना भी आप कहीं होटल में कहां किसके क्या आपने सर्च किया कि आप किस होटल को रेस्टोरेंट को सर्च कर रहे हैं, आप किस तरह के वीडियोस देख रहे हैं, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, ये सब गूगल को पता है और उसके पास सेव है, आपके फ्रेंड्स कौन से हैं ये भी उनको पता है। तो दोस्तों अगर आप इन सबको डिलीट करना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिलीट करना सिखाया था दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप वहां जाइए उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। उसमें बहुत आसानी से मैंने समझाया कि आप अपनी सारा डेटा जो गूगल के पास आपका सेव है, जितनी भी आपकी जानकारी है गूगल के पास सेव है, आप उन सबको कैसे डिलीट कर सकते हैं वो मैंने उसमें समझाया, आप उसे देख लीजिए, उसके जरिए आप आसानी से सीख जाएंगे। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप मुझे इजाजत दीजिए, आज के वीडियो में इतना ही, अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है और जिन लोगों ने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने कर रखा है वो भी बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो अपलोड।
होते ही। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आपको लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आपको एक बेल का आइकॉन नजर आ रहा है, घंटी बनी हुई है, इस पर आप क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो अपलोड होते ही।